नमस्कार फ्रेंड्स, सात्विक रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रसोई में बनाएंगे मसाला छाछ या स्पाइसी बटर मिल्क कह सकते हैं। इसमें मैंने चिया सीड्स मिलाई है जो कि बहुत ही हेल्दी होती हैं। इसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, एक बड़ी चम्मच लिया था और एक गिलास में ये फूला हुआ एक बड़ी चम्मच सफिशेंट रहता है। इसकी चिया सीड्स का पूरा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल दी है कि ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है और गर्मियों में ख़ास तौर पर इसकी तासीर ठंडी होने से ये कितना फ़ायदेमंद है, इसलिए आप उस वीडियो को मिस ना करें। यदि आपने अभी तक नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखें। अब इसको छान लेते हैं और आज हम इसको काम में लेंगे बटर मिल्क में मसाला छाछ में। अब बनाना शुरू करते हैं मसाला छाछ। इसके लिए हमें चाहिएगी सामग्री दही, धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, ठंडा नॉर्मल या आप चिल्ड वाटर ले सकते हैं, सादा नमक, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर, हरी मिर्च, ये आप स्किप भी कर सकते हैं पर मसाला छाछ बना रहे हैं तो एक को मैंने चॉप्ड कर लिया है, और चिया सीड्स ये फूली हुई है हमारी, ये मिलाएंगे। इससे बहुत ही और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी बटर मिल्क की। अब इसको हम पहले ब्लेंड करेंगे, इसमें पुदीना, धनिया पत्ती और हरी मिर्च ये मिलाकर ब्लेंड करेंगे और हमें इसका स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है। थोड़ा सा पानी जितना हमारा ब्लेंड आसानी से हो जाए उतना मिला लेंगे। इन सब की क्वांटिटी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्वांटिटी देख सकते हैं और कम ज़्यादा भी अपने अनुसार स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। ये हमारा ब्लेंड हो चुका है, इस तरह से करा है। अब इसमें हम मिलाएंगे दही और सभी स्पाइसेस मैं दो तीन बार में मिलाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, ये आप ध्यान रखिएगा। चाहे एक बार में मिला लें, मैं दो तीन बार में मिला रही हूँ, एक बार अभी मिलाएंगे, एक बार ब्लेंड करने के बाद मिलाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी मिला रहे हैं। और आप चाहें तो मसाला छाछ नहीं बनाना चाहते हैं तो पुदीना, धनिया पत्ती और हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो इसमें आधा गिलास पानी मिलाएंगे और इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। ये हमारा ब्लेंड हो चुका है। अब बड़े बर्तन में लेंगे बॉल, उसमें इसको निकाल लेंगे और गाढ़ा पतले के अनुसार आप इसमें अपना नॉर्मल ठंडा जैसा भी पानी चाहें मिला लें, कम ज़्यादा। मैंने इसमें कुल दो गिलास पानी मिलाया है और एक कप दही में, तो ये तीन गिलास तीन सर्विंग्स तैयार हो रही हैं। इसमें फिर थोड़ा थोड़ा मसाले मिलाएंगे और मैं इसको मथनी से मथूंगी, जैसे कि पहले के समय में होता था और आज भी गांवों में होता है उसी तरह से। आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर इलेक्ट्रिकल या सादे से कर सकते हैं, और लकड़ी वाला हो तो सबसे बेस्ट है, उससे करिए। मथनी से तो इसका स्वाद लाजवाब हो जाता है और जो इसका टेक्सचर निकल कर आता है वो भी अपने आप में उम्दा होता है। ये हमारा हो चुका है। अब इसे हम जग में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा या नॉर्मल जैसा चाहें आप फ्रिज में रखकर सर्व करें या तुरंत सर्व करें। सर्विंग ग्लास लेंगे, उसमें अब चिया सीड वाला बना रहे हैं तो चिया सीड्स एक बड़ी चम्मच मिलाया है, दो चम्मच भी आप मिला सकते हैं, बस एक से दो बड़ी चम्मच बहुत होता है। अब इससे पूरा ग्लास भर देंगे और हम इसमें मिलाएंगे भुना जीरा, देखने में भी अच्छा लगेगा और गार्निशिंग अच्छी लगेगी देखने में। और मैंने काली मिर्च में चुटकी भर अभी मिला रही हूँ, आप चाहें तो पहले भी मिला सकते हैं यदि ज़्यादा ही आपको स्पाइसी चाहिए तो।
धनिया पत्ती और पुदीना पत्ती से गार्निश कर सर्विंग के लिए हमारा ये बटर मिल्क तैयार हो चुका है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा वीडियो? यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये चैनल आप लोगों की सहायता से और आगे बढ़ पाएगा। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाए। नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।